बाइबल से हम वचन सुनेंगे। आजकल हम देखते हैं कि इस दुनिया में अशांति फैली हुई है, सब चीज में अशांति, लोगों में खुशियाँ नहीं हैं और लोग सोच में हैं और बहुत से ऐसे झंझट में पड़े हुए हैं। और हम जानते हैं कि देश की स्थिति कैसी है पूरी दुनिया की, और केवल क्या लड़ाइयाँ हो रही है। बहुत महीनों से, करीब साल होने वाली है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई, और आपस में दो बड़े बड़े जो देश हैं वो एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं। और ये सब जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो ये सब अंतिम दिन का चिन्ह है। केवल देश में नहीं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कलिशिया में भी अशांति फैली हुई है, क्योंकि ये अंतिम दिन का समय है। ये चिन्ह है कि शैतान अपने लोगों को, मसीह लोगों को भड़काएंगे और उनको अशांति फैलाएंगे। आज मैं जो विशेष सुना हूँ वो है आत्मिक शांति। हम मसीह होने के नाते हमें आत्मिक शांति कैसे मिलेगी? सबसे पहले हम देखें कि आत्मिक शांति देने वाला परमेश्वर है, और ये परमेश्वर का वरदान है। जब हम यीशु ख्रिस्ट को अपना मुक्तिदाता मान लिए हैं, तो जो शांति हम सबों को दे रहे हैं, देते हैं, वो परमेश्वर का एक वरदान है। इसको हम लोग कुछ पदस्थल से हम लोग पढ़ेंगे। पहला देखेंगे कि यज्केल 34 उसका 25 पद, यज्केल 34 उसका 25। और दूसरा कोई खोले ये भजन संहिता 29 उसका 11, यज्केल 34 उसका 25। यज्केल 34 का 25 है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा, अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन उन इस्राएलियों के लिए कहा गया है कि मैं तो उसके साथ शांति का वाचा बांधूंगा। आज हम देखते हैं कि दुनिया में अशांति फैली है, और कुछ ऐसे हैं लोग चाहते हैं कि हम शांति बनाए रखें, लेकिन क्या होता है कि शैतान लोगों को ये बढ़ावा देता है और कहता है कि दुनिया में अशांति फैलाओ। भजन संहिता 29 उसका 11 पद, भजन संहिता 29 11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। परमेश्वर अपने लोगों को शांति का बल देगा। हम परमेश्वर के लोग हैं क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसी पर हमारा पूरा विश्वास है। तो जिन मसीहों, जो मसीह हैं, जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं, उन लोगों को शांति मिलेगी। परमेश्वर हम सबों को आंतरिक शांति देते हैं, और वो कहते हैं कि मेरा जो शांति है एक उत्तम बलिदान है, उस शांति को आप अपनाइए, लीजिए और अपने जीवन में व्यवहार कीजिए। दूसरा हम देखें कि आत्मिक शांति हमें उद्धार का रास्ता बतलाती है। आत्मिक शांति हमें उद्धार का रास्ता बतलाती है। इसको हम पाएंगे यशायाह 53 उसका 7, यशायाह 52 उसका 7। आत्मिक शांति हमें उद्धार का रास्ता बतलाती है।
अगर हम अपने जीवन में हम शांति पाए हैं तो वही हम लोगों को शांति ही कहाँ अगुवाई करेंगे, किस रास्ते में, उद्धार के रास्ते में अगुवाई करेंगे। जैसे यह 52 उसका साथ पर पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहाने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। देखते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो ये सियोन के पर्वत और ये शांति का रास्ता जो हम सबों को उद्धार का रास्ता देते हैं। फिर आगे हम देखें कि जब हम आत्मिक शांति पाना चाहते हैं, यहोवा पर विश्वास करने वालों को शांति मिलेगी। यहोवा पर विश्वास करने वालों को शांति मिलेगी। यशायाह 26 उसका 3 पर, यशायाह 26:3। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें आत्मिक शांति देने के लिए हर समय इच्छुक हैं और कहता है तो यहोवा पर विश्वास करने वालों को शांति मिलेगी। यशायाह 26 उसका 3 पद। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका मन बिल्कुल ही परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और वह स्थिर रहता है, उसे शांति मिलेगी। हम बहुत बार क्या होता है कि कहीं पर भी जब हम सुनते हैं, देखते हैं, हम घबरा जाते हैं। ये आवश्यक रूप से है, हम लोग को घबराना है, लेकिन हम परमेश्वर के जो यहाँ हम पढ़ते हैं उसके वचनों को तो आश्वासन देते हैं कि ये सब चीज़ों को देखकर मत घबराना, क्योंकि जो अशांति जो फैल रही है, फैली हुई है, देखते हो, सुनते हो, वो है ये शैतान का जो एक चिन्ह है और ये अंतिम दिनों में ऐसे ही होगा। लेकिन हम मसीहों को कहता है कि हमें विश्वास करने है और शांति हम लोग को पाना है। आगे हम देखें कि परमेश्वर के आज्ञाओं को प्यार करते हैं और मानते हैं। आज्ञाओं को पहले हम प्यार करते हैं और मानते हैं। हम किसी को अगर प्यार करते हैं तो उसको उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं। उसको हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 119:165। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को प्यार करते हैं, हम जितने मसीह हैं आज्ञा दी गई है और हम उसको प्यार करते हैं और करना चाहिए, तभी हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। 119 उसका 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। तेरी व्यवस्था जो प्यार करते हैं और उसको मानते हैं तो उसे ठोकर नहीं लगता है। हम जैसे मसीह जीवन में हम चल रहे हैं, उतराव चढ़ाव, चट्टान, पहाड़, पर्वत, ऐसे समय में हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को हम जब प्यार करते हैं और उनके दूत हम सबों के रखवाली करेंगे। और जैसे आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे यहाँ 166 से लेकर 168 में, इसमें हम लोग देखें कि ये जो परमेश्वर की जो आज्ञा दी गई है उसको हम कैसे प्यार करते हैं। आगे 166 से लेकर के 168 तक। हे यहोवा, मैं तुझसे उधार पाने की आशा रखता हूँ और तेरी आज्ञाओं पर चलता आया हूँ। मैं तेरी चिंताओं को जी से मानता हूँ और उससे बहुत प्रीति रखता आया हूँ। मैं तेरे उपदेशों और चुनौतियों को मानता आया हूँ, क्योंकि मेरी सारी चाल चलन तेरे सम्मुख प्रकट है। देखते हैं
भजन संहिता का लेखक दाऊद कितना सुंदर शब्दों में लिखे हैं कि वे परमेश्वर को प्रथम स्थान दिए और उनके जीवन काल में हम जानते हैं कि अधिक समय वे क्या किए, जंगलों में, पहाड़ों में, गुफों में वो छिपे रहे, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को प्यार किए और उसके अनुसार वे चले, उसको माने। यहाँ आत्मिक शांति जो हमें धार्मिक जीवन देता है, आत्मिक शांति सबों को, हम लोग को आत्मिक शांति चाहिए और वो आत्मिक शांति हमें धार्मिक जीवन देता है। भजन संहिता 72 उसका साथ, साम्स 72:7, भजन संहिता 72 उसका साथ पर, कि किस प्रकार ये आत्मिक शांति हमें जो धार्मिक जीवन देता है। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। उसके लोग फले फूलेंगे और जब तक चंद्रमा रहेगा वो शांति बने रहेगी। आखिरी में हम देखें कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और ये वचन हम लोग पाते हैं रोमी 15 उसका 33 पद, रोमी 15:33, परमेश्वर शांति का परमेश्वर, वह शांति दाता है। गाना में हम गाते हैं एक शांति दायक है और परमेश्वर जो एक पवित्र आत्मा के रूप में वो हम सबों के लिए भेजे हैं और वे हमें शांति देते हैं। रोमी 15 उसका 33 पद, शांति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे, आमीन। यहाँ पौलुस प्रेरित कहते हैं शांति का परमेश्वर तुम सब पर हो, आमीन। आज इस समय, ऐसे समय में लोग बात कर रहे हैं जो दुनिया में अशांति है, परिवार में हो सकता है, कलीसिया में और जहाँ भी जाए समाज में अशांति है, लेकिन हम मसीहियों को ये जो वचन दी गई है पवित्र शास्त्र में उसको हम लोगों को मनन करना है और उसके अनुसार चलना है, उनकी जो आज्ञा दी गई है उनको पालन करना है और उसके अनुसार चलने से हम सबों को आत्मिक शांति मिलेगी। परमेश्वर सुंदर वचन पर हम सबों को आशीष दे, आमीन।